हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी कोडर में। तो गाइस, आज से हम स्टार्ट करने वाले ये ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट प्रोजेक्ट तो स्प्रिंग बोर्ड को यूज़ करके हम बनाने वाले। ओके, तो गाइस जैसे कि हम जो बनाने वाले इस प्रोजेक्ट के अंदर फुल ट्यूटोरियल सीखने वाले एंड टू एंड बनाएंगे, उसका ओवरव्यू मैंने फर्स्ट वाला जो वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड भी कर चुका हूँ। तो गाइज आपको जो ई कॉमर्स साइट स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट जो प्लेलिस्ट का अंदर मिल जाएगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन अंदर लिंक दे दूंगा, एक बार क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। फर्स्ट वाला जो वीडियो है उसमें अंदर मैंने फुल ओवरव्यू को मैंने एक्सप्लेन किया। तो गाइज इसमें अंदर हम जो फुल्ली ओवरव्यू मैंने एक्सप्लेन किया, दैट मीन्स क्या है ना, हम जो बनाएंगे क्या क्या बनाने फंक्शनलिटी क्या क्या रोल रहने वाला है, ऑल द फंक्शनलिटी मैंने एक्सप्लेन किया, तो एक बार चेकआउट कर लेना। ओके, तो आज से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं ये पार्ट टू वीडियो होने वाला है, दैट मीन्स यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कोडिंग एंड टू एंड डेवलप करेंगे। तो इसमें हम जो यूज करेंगे बैक एंड में स्प्रिंग बूट एमवीसी यूज करेंगे, फ्रंट एंड में हम यूज करेंगे एचटीएमएल सीएसएस बूटस्ट्रैप एंड पेजेस को डायनामिक करने का थाइमलिप यूज करेंगे। ओके गाइस देन लेट्स स्टार्ट। तो गाइस जैसे कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस इस चैनल पे ऐसे ही मिलता रहेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटर साथ साथ प्रोजेक्ट्स की वीडियो आपको मिलता रहेगा, तो गाइस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। ओके गाइस देन लेट्स स्टार्ट। तो गाइस जैसे सिंपली तो हम जो प्रोजेक्ट बनाने वाले, तो ई कॉमर्स साइट प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उसके लिए हम जो टूल्स यूज करेंगे आईडी, तो हम स्प्रिंग एचटीएस टूल यूज करेंगे, स्प्रिंग टूल सूट। ओके, अगर आपको पता नहीं आपको इंस्टॉल नहीं किया कैसे इंस्टॉल करना है, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो एक वीडियो को देख के इंस्टॉल कर लेना। ओके, एंड डाटाबेस में जो हम इस प्रोजेक्ट के अंदर जो यूज करेंगे माइस्क्यूएल डाटाबेस वगैरह यूज करेंगे। ओके, तो सिंपली आ जाएंगे। तो मैं जैसे मैं एचटीएस स्प्रिंग टूल सूट ओपन कर चुका हूँ, तो फर्स्ट हम बनाएंगे स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें अंदर। तो फर्स्ट आ जाएंगे फाइल में क्लिक करेंगे, देन न्यू, देन स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। ओके, देन उसके बाद आपको हमें नेम के अंदर देना है, प्रोजेक्ट के नेम देना है, तो मैं नेम देता हूँ यहाँ पर सिंपली शॉपिंग कार्ट। ओके, ये मेरे प्रोजेक्ट के नेम्स है। उसके बाद आपको टाइप चूज करना है मावेन एंड पैकेजिंग जो होने वाला जार एंड जावा वर्जन 17। तो गाइज मैंने यहाँ पर इंस्टॉल या दैट मीन्स मैं यूज करने वाला लेटेस्ट वर्जन 17, तो आपके लैपटॉप में मिनिमम 17 यूज़ कर लेना, लेटेस्ट स्टेबल वर्जन है हम यूज करेंगे। ओके, उसके बाद लैंग्वेज जावा यूज करेंगे, राइट, जावा जो मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद कॉम ग्रुप, दैट मीन्स क्या आपके पैकेजेस के नेम होगा, तो मैं दे दूंगा जैसे सिंपल, जैसे मैं ई कॉमर्स साइट बना रहा हूँ तो मैं ई कॉम दे दूंगा, आर्टिफैक्ट शॉपिंग कार्ट आईडी वर्जन डिस्क्रिप्शन, दैट मीन मैं दे दूंगा ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट। स्प्रिंग बूट एमबीसी प्रोजेक्ट। ओके, उससे पैकेज जो रहने वाला आपकी जो ग्रुप है सेम रहने चाहिए, राइट, मैं सेम दे दूंगा, चलो नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्लिक करना है। ओके, उसके स्प्रिंग बूट जो वर्जन हम यूज करेंगे लेटेस्ट वर्जन यूज करेंगे स्प्रिंग बूट 3। ओके, उसके बाद हम पैकेज और डिपेंडेंसी वगैरह यहाँ पर ऐड कर लेंगे, दैट मीन्स फर्स्ट में यूज करेंगे वेब एप्लीकेशन स्प्रिंग वेब। उसके बाद डाटाबेस के साथ कनेक्शन के लिए हम यूज करेंगे माई एसक्यूएल ड्राइवर। ओके, उसके बाद डाटा जेपीए यूज करेंगे, राइट, स्प्रिंग डाटा जेपीए एंड थाइमलिप यूज करेंगे, और जो भी और कुछ जरूरत होगा जैसे स्प्रिंग सिक्योरिटी जरूरत होगा तो हम बाद में ऐड करेंगे, जैसे लॉग इन मॉड्यूल फंक्शनलिटी पर इंप्लीमेंट करेंगे तब हम ऐड कर लेंगे। ओके, तो भी आज सिंपल अभी नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, देन आपको फिनिश पे क्लिक करना है। तो गाइस सिंपली आपका लैपटॉप में या सिस्टम में नेट कनेक्टेड होना चाहिए ऑल द डिपेंडेंसी फाइल वगैरह डाउनलोड करने के लिए। ओके, तो आपको कुछ टाइम लेगा तो ऑल द डिपेंडेंसी फाइल वगैरह डाउनलोड करने के लिए, तो मैंने जैसे जो मैंने डिपेंडेंसी वगैरह ऐड किया। ओके, तो सिंपली अभी देख सकते हो शॉपिंग कार्ट मेरा बजट क्रिएटेड हो चुका है। तो एसआरसी मेन जावा आपको एक फोल्डर मिल जाएगा पैकेजेस, उसके अंदर आपको मिलने वाला कॉम डॉट ई के एम पैकेज मिलने वाला, राइट, शॉपिंग कार्ट एप्लीकेशन जो आपके यहाँ पर है। तो जैसे कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन ये मेन क्लास होता है जहाँ से आपकी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से, राइट। तो सिंपली तो मैंने स्प्रिंग बूट का फुल ट्यूटोरियल्स वगैरह, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क की स्प्रिंग का ऑल ट्यूटोरियल्स मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आपको पढ़ना है तो मेरे चैनल के अंदर जा सकते हो, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसमें अंदर थियोरी के साथ प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया। ओके, तो एक बार चेकआउट कर लेना, अगर आपको कुछ जो कॉन्सेप्ट रिविजन करना है या पढ़ना है तो आप फॉलो कर सकते हो एंड प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो।
एसआरसी मेन रिश्यू आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो दैट मीन हम जो यूआई वगैरह जो रहने वाला है एचटीएमएल पेजेस वगैरह सबको यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे। ओके उसके बाद एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज फाइल यहाँ पर हम जैसे जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा अगर MySQL हम जैसे कि यूज करेंगे डाटाबेस के साथ कनेक्शन करने के लिए MySQL डाटाबेस, तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जो भी रहने वाले सब यहाँ पर डिफाइन करेंगे। ओके उसके बाद जो पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल के नाम जो जो ऐड करते जाएंगे डिपेंडेंसीज फाइल वगैरह यहाँ पर ऑलरेडी देख सकते हो मैंने जेपीए थाइमलिप वेब अनकनेक्टेड जार जो मैंने ऐड किया था अभी यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके डन। तो ये मेरा सिंपल था जैसे डिपेंडेंसी था फर्स्ट फाइल स्ट्रक्चर ओवरव्यू। तब आज फर्स्ट में यूआई वगैरह बनाएंगे यूआई पैचेस, उसके बाद हम बैकएंड हम जैसे जावा को इंप्लीमेंट करेंगे। ओके डन। तो सिंपली आ जाएंगे तो टेम्पलेट जो फोल्डर है उसके अंदर हम जैसे कि बनाने वाले एचटीएमएल पेजेस वगैरह, राइट। तो राइट क्लिक करेंगे टेम्पलेट के अंदर, राइट क्लिक न्यू, देन फर्स्ट एक इंडेक्स पेज बना लेंगे, एचटीएमएल पेज बनाएंगे इंडेक्स इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, राइट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। तो मैं सिंपल यहाँ पर लिख दूंगा H1 टैग में इंडेक्स पेज, राइट। तो बन चुका है। सिंपली इसको भी रेंडर करने के लिए दिखाने के लिए मेरे को कंट्रोलर चाहिए, तो राइट कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट जाएगा, वहाँ से हम कौन से पेज दिखाएंगे वहाँ पर रेंडरिंग करने वाले। तो स्प्रिंग एम बी से हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो कॉम डॉट ई कॉम जो दिखा रहे जो पैकेज इसके अंदर राइट क्लिक करना है, इसका अंदर सब पैकेजेस बनाएंगे उसके। ओके तो न्यू देन आ जाएंगे एक अनदर पैकेजेस बनाएंगे, तो कॉम डॉट ई कॉम उसके अंदर आपको और एक पैकेज बनाए कंट्रोलर। ओके तो गाइज अगर ये पैकेज मिसमैच हो जाएगा देन आपको एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन नहीं होगा। ओके तो जो फर्स्ट जो मेन क्लास जिस पैकेज के अंदर है उसके अंदर सब पैकेजेस बनेगा ये, राइट। ये कॉम डॉट ई कॉम है, उसके बाद डॉट कंट्रोलर जो भी डॉट कंट्रोल का डॉट आई एम पी एल सर्विस सब कुछ बना सकते हैं यहाँ पर। कॉम डॉट ई कॉम डॉट कंट्रोल राइट क्लिक करना है देन न्यू, देन यहाँ पर बना देते हैं क्लास बनाएंगे होम कंट्रोलर कंट्रोलर। ओके डन। तभी सिंपल आ जाएंगे। तो जैसे जो भी रिक्वेस्ट आने वाला है तो इसको रिसीव करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे एट द रेट कंट्रोलर। ओके स्टेट ऑफ एनोटेशन है, उसके बाद पब्लिक स्ट्रिंग। ओके फर्स्ट हम इंडेक्स पेज को लोड करेंगे, तो मैं इस सिंपल मेथड नेम में दे रहा हूँ जैसे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट से देना है, रिटर्न करना है कौन सी पेज आपको दिखाना है। ओके तो गाइस ये सब कुछ कॉन्सेप्ट मैंने स्प्रिंग एम बी सिंह ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, कुछ डाउट है अगर रिविजन करना है तो आप एक बार फॉलो कर सकते हो मेरा थाइमली ट्यूटोरियल्स के अंदर, मैं उन्हें भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट भी बना चुका है ई नोट्स प्रोजेक्ट, उसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप एक मिनी प्रोजेक्ट था मैंने सब कुछ सिखा चुका हूँ। ओके तो अगर आपको थोड़ा रिकैप करना है पढ़ना है आप उस चैनल जैसे कि उस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। ओके उसके बाद जैसे कौन सी पेज दिखाना है, जैसे कि मैं आप बताऊँगा एट द रेट जैसे कि गेट मैपिंग। ओके मतलब ये जो रिक्वेस्ट आने वाला गेट मैपिंग होनी चाहिए, उसके बाद स्लैश मैं दे दूंगा स्लैश। जो सिंपल अगर मान लो कोई ना लोकल होस्ट 8080 पोर्ट में रन होने के बाद स्लैश अगर मैपिंग हो तब मेरे कौन सी पेज दिखनी चाहिए, मैं बोलूंगा कि इंडेक्स पेज मेरा लोड होना चाहिए, राइट सिंपल उतना ही। तो अभी आज सिंपल अभी जैसे कि मैं रन करूँगा तो अभी मैं सट में से भी एरर आ जाएगा, क्योंकि ना मैंने यहाँ पर पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर मैंने MySQL कनेक्टर का जो मैंने जो डिपेंडेंस जो ऐड किया था उसका कॉन्फ़िगरेशन चाहिए डाटाबेस कनेक्शन, तो अभी मेरी जरूरत नहीं, इसको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कमेंट कर लेता हूँ। जब हम डाटा के साथ कनेक्शन जब कोड लिखेंगे रजिस्ट्रेशन वगैरह उस टाइम हम इसको क्या करेंगे, उस टाइम मैं यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे। आई थिंक व्हाई इट्स नॉट कमेंटिंग, तो चेक करेंगे कमेंट क्यों नहीं हो रहा है, कमेंट हो चुका है। ओके तो अभी जैसे MySQL का भी मेरा यहाँ पर मैंने कमेंट कर दिया, ये अभी मेरा जो मावेन डिपेंडेंस यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अभी रन करेंगे राइट क्लिक रन एज देन स्प्रिंग बूट अप। ओके ओके क्या बता रहा है आपको यहाँ पर यू आर ओके, तो दैट फेल हो रहा है, दैट मीन्स इसको थोड़ा एक बार अपडेट कर लेना जैसे मैंने जो यूज किया था। तो राइट क्लिक करना है मावेन अपडेट प्रोजेक्ट, आई थिंक जेपी का भी मैं भी उसका कमेंट करना होगा। ओके चेक कर लेते एक बार, तो राइट क्लिक करेंगे रन एज स्प्रिंग बूट अप, नो तो दैट मीन्स जेपीए का भी उसको कमेंट करना होगा। ओके कमेंट हो चुका है रन एज स्प्रिंग बूट अप। ओके अभी सक्सेसफुल देख सकते हैं 8080 पोर्ट पे रन हो रहा है। ओके डन।
तभी सही चीज़ सब कुछ चल रहा है। तो गाइज जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बार फॉन्ट वगैरह थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जैसे आपको इजीली जो मैं कोडिंग वगैरह करूँ आपको अच्छा उसका फॉन्ट साइज़ देखना चाहिए, राइट। फॉन्ट में सर्च कर लेता हूँ, अपीयरेंस डिफरेंस बेसिक बैनर फॉन्ट एडिट, उसको मैं 12 कर देता हूँ, नहीं 11 कर लेता हूँ, राइट। अभी सही दिख रहा है। एक बार फिर से विंडोज प्रेफरेंस 12 कर लेता हूँ, ठीक है अभी सही दिख रहा है। ओके तो मैं अभी देख सकते हैं कौन से पोर्ट पे रन हो रहा है, 8080 पोर्ट पे रन हो रहा है। तो आ जाएंगे सिंपल लोकल होस्ट, ओके। देन आपको यहाँ पे सर्च करना है लोकल होस्ट 8080 पोर्ट पे, तो सिंपल लास्ट में फायर करूँ। अभी जैसे सिंपल अभी इंडेक्स पेज देख रहा है, दैट मीन सक्सेसफुली मेरा इंडेक्स पेज अभी लोड हो रहा है। ओके तो इसी हिसाब से जैसे कि हम इसको अभी बनाने वाले एक एक अनदर पेज बनाएंगे, सेकेंड जो पेज मैं बनाने वाला हूँ, दैट मीन्स अभी जो बनाएंगे इंडेक्स पेज था एक, द सेकेंड जो पेज बनाएंगे एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाएंगे, दैट मीन इंडेक्स पेज मतलब मेरा होम पेज है, राइट। उसके सेकेंड जो पेज बनाएंगे रजिस्ट्रेशन पेज और लॉगिन पेज। तो आ जाएंगे एक बार तो न्यू HTML पेज बनाएंगे, ब्राउज़र पे सर्च करेंगे HTML से कि लॉगिन HTML, जरूरत नहीं है लॉगिन, सिंपल HTML मैंने चूज़ किया था, तो मैं न्यू HTML रजिस्टर या साइन अप जो सिंपल जो भी, राइट। तीनों पेज अभी क्रिएट हो चुका है। इंडेक्स मतलब मेरा फास्ट बेस पेज होने वाला है, दैट मीन्स मेरा होम पेज है, लॉग इन पेज एंड इंडेक्स। ओके तो अभी आ जाएगी एच1 टैग में लिख देता हूँ लॉग इन पेज, ओके डन, सब कुछ क्लोज कर देता हूँ। होम पे आएंगे तो सेम है जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, तो जैसे कि गेट मैपिंग, जैसे लॉग इन हो जाए, लॉग इन पेज मेरा लोड होना चाहिए। तो ये मेथड नाम कुछ भी दे सकते हो, सेम नहीं कि जैसे ये मेरा क्या मैपिंग है, राइट। तो इस लास्ट लॉग इन जब मैप होगा तब मेरा ये मेथड कॉल होगा, तब कौन से पेज में दिखाना चाहता हूँ मैं लॉग इन, जैसे कि मैं पेज दिखाना चाहता हूँ लॉग इन, दैट मीन आपको जो यहाँ पर HTML पेज होगा उसका जो नेम है आपको सेम होना चाहिए, राइट। उसका सेम जैसे कि मेरा रजिस्टर पेज चाहिए, रजिस्टर रजिस्टर जैसे रजिस्टर डॉट जे एस HTML, ओके रजिस्टर बन गया, राइट। तीनों पेज अभी क्रिएटेड हो चुके हैं, उसके बाद सिंपल आ जाएंगे एक बार रन कर लेंगे तो आ जाएंगे। ओके तो गाइस मेरे को डेव टूल भी ऐड करना था, दैट मीन्स क्या है, जैसे मैं कोड करने चेंजेस करूँ ऑटोमेटिकल चेंजेस भी होने चाहिए, तो मैंने भूल गया था मैं डेव टूल जैसे कि मैंने डिपेंडेंस ऐड करने के लिए तो pom.xml फाइल में ऐड करना चाहिए था मेरे को। तो आ जाएंगे एक बार गूगल में आ जाना, सर्च करना है मावेन MVN रिपोजिटरी, ओके स्प्रिंग बूट डेव टूल लेना है, उसका डिपेंडेंसेस स्प्रिंग डेव टूल्स, स्प्रिंग बूट डेव टूल्स 3.2.3 लेटेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, क्लिक करेंगे कॉपी आ जाएंगे एक बार यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। दैट मीन इसके यूज़ करना फ़ायदा क्या है ना, अगर मान कोड के अंदर मैं जावा कोड में कुछ चेंजेस करूँ ऑटोमेटिक रीलोड हो जाएगा, लेकिन मेरे को बार बार रीलोड नहीं करना पड़ेगा। ओके सिंपल आ जाएंगे उसके टॉप में पेस्ट करता हूँ, ओके तो वर्जन जरूरत नहीं, वर्जन को रिमूव कर लेंगे, ऑटोमेटिक स्प्रिंग स्टार्टर पेरेंट्स वो ऑटोमेटिक इनहेट हो जाएगा, ओके। तो अभी एक बार क्या करें प्रोजेक्ट को हम अपडेट कर लेंगे, मावेन अपडेट प्रोजेक्ट फोर्स अपडेट एंड ओके। सक्सेसफुल हो चुके हैं, राइट क्लिक करेंगे एक बार तो स्टॉप कर लेते, रीरन कर लेंगे, रीरन आज अनस्पिंग बूट ऑफ, सक्सेसफुल मेरे 8080 पोर्ट पे अभी रन हो रहा है। तो आ जाएंगे एक बार तो आ जाएंगे सिंपली रिफ्रेश कर लेंगे, ओके स्लैश मतलब बाय डिफॉल्ट मैंने बताया था स्लैश जो मैपिंग होगा तब इंडेक्स पे जाएगा, स्लैश लॉगिन के बाद अगर लॉगिन आए तो लॉगिन पेज लोड होगा, अदर अगर स्लैश के बाद रजिस्टर आ जाए तो रजिस्टर पेज लोड होगा, राइट। तो मैं तो तीनों पेज सक्सेसफुल अभी लोड हो रहा है, ओके तो फर्स्ट हम पेज बनाएंगे, तो दैट मीन्स
जो यूए पेज बनाएंगे। राइट, तो जैसे कि मेरा जो प्रोजेक्ट था मैं आपको दिखा रहा था, डेमो मैंने जो डेमो में मैंने बनाया था, तो ओके उसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ किस तरह बनने चाहिए मेरा पेजेस। ओके सिंपली दैट मीन्स ये मेरा हो चुका है इस तरह पेज बनाने वाले। फर्स्ट मेरा इस तरह बनेगा होम पेज, तो कटोरी देखिएगा, उसके बाद लेटेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे दिखने चाहिए। ओके तो ऐसे अब इमेज लोड नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर दिखाएंगे। ओके उसके नैबर एक फुटर होने चाहिए, यहाँ के ऊपर नैबर होगा, लॉग इन पेज इस तरह बनने वाला है। राइट, उसके बाद रजिस्टर पेज एक बनेगा। टोटल हम इस तरह 3 पेज अभी बनाने वाले हैं। ओके तो आ जाए सिंपल, तो इंडेक्स पेज, तो सिंपल दैट मीन्स जैसे कि यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ डायनामिक, दैट मीन्स क्या है ना, पेजेस वगैरह जो हूँ जैसे कि हर एक पेज के अंदर मेरे को जरूरत होगा, दैट मीन्स कौन सा पेज मेरे को जरूरत है इन नैब बार। ओके तो मैं क्या करूँगा, एक बेस पेज बनाएंगे। ओके जैसे कि थाइमली का जो इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट मैंने जो एक्सप्लेन किया था पढ़ाई, तो मैंने थाइमली ट्यूटोरियल्स के अंदर वही लॉजिक यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। सिंपली एक बेस पेज बनाएंगे, तो मतलब मेरा हर एक पेज के अंदर ये मेरा जरूरत है, दैट मीन्स इसको बना रख लेंगे, इसको स्टैटिक, दैट मीन्स इसको हम रखेंगे एक बार, और इसके अंदर जो कंटेंट होगा उसको डायनामिक बनाएंगे। राइट, तो जैसे हर बार जो भी पेजेस लोड होगा ये बार चेंजेस होता जाएगा। ओके वन टाइप ऑफ दैट मीन्स जैसे कॉम्पोनेंट बेस्ड करना है, जैसे हम रिएक्ट में करते हैं एंगुलर पे कॉम्पोनेंट बेस्ड, सिंपल इस तरह बनाने वाले। तो आज सिंपल एक बेस नेम से एक बना लेंगे फर्स्ट, तो टेम्पलेट्स के अंदर आ जाएंगे, तो मेरा फर्स्ट ये मेन पेज बनेगा। राइट, मेज मेन। ओके तो आ जाएगी सिंपल, ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, ये बेस नेम से मैं बना लूँगा, सॉरी बेस नहीं, HTML पेज बनाएंगे, उसका नेम देंगे बेस डॉट HTML। राइट, तो मेरे बेस बनने वाला ये वाला अभी मेरी। ओके उसके बाद तो आज ही सिंपल बेस मेरा पेज बनेगा, मतलब हर बार ये वाला पेज लोड होगा उसके अंदर हम कंटेंट डायनामिक लेके आएंगे। अगर लॉगिन पेज लोड करूँ लॉगिन पेज इसके अंदर रेंडर होगा, रजिस्ट्रेशन पेज एंड इंडेक्स पेज जो भी पेज यहाँ पर मैं रेंडर करने वाला, इस तरह अगर एडमिन के लिए अलग है उसके लिए अलग बेस बनाएंगे। राइट, अगर यूजर कस्टमर के लॉगिन होने के तो उसके लिए अलग अलग बनाएंगे बेस। सिंपल डन। तो आ जाएंगे सिंपल, अभी क्या करेंगे, तो यहाँ पर जैसे उसका हेडर पर फर्स्ट ऑल मैं यहाँ पर डिफाइन करने वाला हूँ लैंग्वेज एंड फ्रैगमेंट का कॉन्सेप्ट मैं यूज करूँगा। ओके सिंपल आ जाएगा HTML के अंदर, सिंपल मैं एक पेस्ट कर देता हूँ, तो सिंपल आपको लिखना है लैंग्वेज EN मतलब इंग्लिश एंड XML:TH। राइट, दैट मीन्स जैसे थाइमली का अगर प्रॉपर्टीज यूज करना है आपको, XML:TH लिख रहा, दैट मीन्स जो भी प्रॉपर्टीज मेरे को मिल जाएगा। राइट, thymely.org, तो आपको फर्स्ट ऑफ क्या है ना, थाइमली का डिपेंडेंस ऐड करना होगा, देन ये वाला सही से चलेगा। राइट, TH फ्रैगमेंट। राइट, तो फ्रैगमेंट के अंदर आपको लेआउट डॉट कॉन्टेंट, यहाँ पर आपको एक मेथड होगा उसके अंदर, तो मैं जैसे कि ये वाला जो मेरा मेन होगा उसको कॉल करने के टाइम मैं इस लेआउट के अंदर कॉन्टेंट में पास कर दूंगा यहाँ पर। ओके ये हमारा लॉजिक है। तो ओके तो गाइस डोंट वरी, आपको समझ में आ जाएगा, जैसे जैसे मैं धीरे धीरे मैं करता जाऊँ आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ओके उसके बाद क्या है ना, तो यहाँ पर एक मैं डीप बनाऊंगा। राइट, डीप के अंदर मैं कॉन्टेंट यहाँ पर जैसे कि मैं रेंडर करने वाला हूँ डीप, तो ऑलरेडी मैंने स्प्रिंग एमबीसी का मैंने सब कुछ एक्सप्लेन भी कर चुका, आई होप आपको समझ में आया अगर आ रहा होगा। राइट, तो रिप्लेस कॉन्सेप्ट में यूज करूँ, रिप्लेस इक्वल टू कोलोन डॉलर सिंबल देन कंटेंट। राइट, तो कंटेंट मेरा दैट मीन्स क्या ना, यहाँ पर जो कंटेंट आएगा दैट मीन्स ये पैरामीटर। राइट, एक मेथड है इसके अंदर में डायनामिक कंटेंट आने वाला है। सिंपल डन। तो दैट मीन्स क्या है ना, तो फर्स्ट में यहाँ पर एक लिख देता हूँ H1 टैग में नैब बार। ओके तो मतलब हर बार मेरे ये वाला चलना चाहिए, तो ये वाला कैसे मैं कॉल करूँ, दैट मीन्स मैंने बताया था जैसे स्लैश, जैसे ओनली मैपिंग हो तब मेरा इंडेक्स पेज लोड होगा, जब स्लैश के बाद लॉग इन मैपिंग हो तब मेरा क्या है ना लॉग इन मैपिंग होगा, रजिस्टर के बाद जैसे मैपिंग रजिस्टर पेज लोड होगा। तो बट जैसे कि मैंने लॉग इन जैसे स्लैश मैपिंग और लॉग इन पेज लोड होगा, बट मेरे बेस कैसे कॉल होगा, तो लॉग इन पेज से यहाँ पर कॉल करूँगा, दैट मीन्स क्या है मेरा लॉग इन पेज यहाँ पर लोड होगा, बट यहाँ के डाटा जाके मैं डायरेक्टली बेस डॉट HTML के अंदर यहाँ पर रेंडर करके दिखा दूंगा। राइट, तो नैब बार क्या मैंने फिक्स रह जाएगा यहाँ पर, जो कंटेंट वगैरह जो है मेरा डायनामिक बन जाएगा। राइट, अगर जैसे अगर रजिस्टर मैपिंग हो तब क्या होगा ना, रजिस्टर वाला पेज चलेगा। ओके ये वाला पेज चलेगा तब, बट ये वाला जो पेज को मैं लेके चला जाऊँगा बेस के अंदर कॉल कर दूंगा, उसके अंदर कॉन्टेंट का वैल्यू आ जाएगा, उस वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करके दिखा दूंगा। तो नैब बार मेरा क्या है पर फिक्स हो गया। राइट, वही सिंपल आ जाएंगे, तो कैसे करना डायनामिक, तो जैसे जब लॉग इन मैपिंग होगा तब क्या है ना, हेडर में यहाँ पर मेरे को चेंजेस करना है, तो मतलब लॉग इन पेज से मेरे को कॉल करना बेस वाले को। राइट, तो मतलब यही मतलब लॉजिक ही यूज कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स क्या है ना, अगर नया पर हर एक पेज के अंदर चाहिए तो मेरे को पॉसिबल ना, मतलब मेरे को जरूरत नहीं हर एक पेज का टॉप में लगाने का, जैसे बॉडी के अंदर है यहाँ पर मेरे को नया बार लगाना है, तो सिंपल रजिस्टर के अंदर भी नया बार लगाना है, तो दैट मीन्स हर एक पेज के अंदर जरूरत होगा, तो अननेसेसरी कोड का हम क्यों रिपीटेडली लिखेंगे। ओके आई होप आपको समझ में आ रहा है। राइट, तो दैट मीन हम कोड को रिपीटेड नहीं लिखेंगे, हम कोड को रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे, तरह हम एक ही बार उसको हम लिखेंगे, हर बार उसको यूज करेंगे। राइट, तो ये होता है इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट या दैट मीन्स रीयूजेबिलिटी। ओके तो आ जाएगा लॉग इन डॉट HTML, तो यहाँ पर टॉप में एक बना लेंगे लैंग्वेज, तो दैट मीन्स हम EN यूज करेंगे। राइट,
XMLNS। तो यहाँ पर जैसे कि थाइमलिप का अगर प्रॉपर्टीज यूज करना है उसका आपको नेम स्पेसिस देना है, दैट टू टी एच। आप जो भी नेम दोगे इस पर्टिकुलर रिसीव हिसाब से आपको गेट मिलेगा ऑल द प्रॉपर्टीज, राइट। तो आ जाएगा सिंपल उसके http://www.thymelip.org, थाइमलिप THYMELIF thymelip.org, राइट। उसके बाद दैट मीन्स मैं टी एच रिप्लेस कॉन्सेप्ट यूज करूँगा, जी वाला प्रॉपर्टीज की यूज करेंगे, डन। ओके, उसके बाद मैं कौन सी वाला कॉल करूँगा, जैसे कि ये वाला जो मेरा ये वाला लोड होगा तब मेरे को एक बेस नेम से, मैंने एक फेस्टिवल पेज बनाया था, बेस आपको देना है, राइट। डबल कॉलोन देना है, आपको मेथड कौन से मैंने बनाया था, तो यहाँ पर जैसे बेस का तो मैंने एक बनाया था कि बेस का अगर कॉल करते हो आप, इसको लेकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। अगर आप बेस को कॉल करते हो, बेस के अंदर एक मेथड होता है फ्रैगमेंट के अंदर लेआउट मेथड, तो आपको लेआउट मेथड कॉल करना है, बेस के अंदर लेआउट कॉल करना है, लेआउट, राइट। लेआउट के अंदर आपको डायनामिक कंटेंट पास करना है, राइट। तो डायनामिक कंटेंट दैट मीन्स क्या है, मेरा जो बॉडी तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पर जैसे बॉडी के अंदर जो वैल्यू रहने वाला है उसको लेके जाएंगे बेस के अंदर दिखाएंगे यहाँ पर, तो मैं नैप बार रहेगा उसके अंदर ये वाला डायनेमिक होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, मैं एक सेक्शन नेम से टैग बनाता हूँ, राइट। सेक्शन कुछ भी दे सकते हो, राइट, आपको अगर जो भी सेक्शन, तो इस सेक्शन के अंदर जो वैल्यू रहेगा वो वाला जाएगा, ओके। अगर मान लो उसके नीचे मैं और भी कुछ लिखता हूँ ना, जैसे डेमो पेजेस, तो ये वाला नहीं जाएगा, मतलब मैंने मैंने अभी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। जब ये वाला मेरा पेज लोड होगा तब मेरा क्या है ना, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, दैट मीन्स बेस नेम से एक पेज होगा HTML, दैट मीन्स को मैं कॉल करूँगा, उसके अंदर लेआउट मेथड होगा, उसके अंदर कौन सा वैल्यू मेरे को पास करना है, सेक्शन के अंदर जो वैल्यू पास करना है, अगर बॉडी करते हो मतलब मीन्स बॉडी के अंदर जो वैल्यू होगा सब कुछ चला जाएगा, ओके। तो मैं स्पेसिफिक में बता रहा हूँ, सेक्शन के अंदर जो भी वैल्यू रहेगा, दैट मीन जो भी डाटा रहेगा उसको लेके इन बेस पेज के अंदर उसको रेंडर कर दो, ओके। इसके बाद आपको आपको सिंबल देना है, जैसे कि टिल्ड सिंबल, राइट। तो जैसे कि टैब के ऊपर आनी चाहिए, राइट। आपको शिफ्ट टिल्ड सिंबल देना है, ओके। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस देना है, डबल जैसे कि कोलन देना है, देन उसको सेक्शन जो भी टैग का वैल्यू पास करना सेक्शन दे देना है, ओके। समझ में आ गया, अभी क्या करेंगे एक बार इसको रीलोड कर लेंगे, ओके। अभी आ जाएंगे तो सिंपल एक रिफ्रेश में कर लूँगा, यहाँ पर नहीं तो सिंपल मैं लॉग इन में बताया था, लॉग इन के अंदर, ओके। लॉगिन देखो अभी गाइस सिंपल आ चुका है, नया बार लॉगिन पेज आ रहा है, राइट। तो जैसे सिंपल क्या है, मेरे अभी बेस पेज कॉल है, कैसे पता चला मेरे को, मैंने बताया था नया बार जो मैंने यूज किया था बेस के अंदर, तो मतलब जैसे कि यहाँ पर लॉजिक जो यूज हुआ है, तो मतलब बेस पेज के अंदर लेआउट मेथड कॉल हुआ, उसका सेक्शन के अंदर जो वैल्यू रहेगा वो चला जाएगा, कहाँ पर ना, यहाँ पर बेस के अंदर नया बार हुआ रेंडर, उसके बाद यहाँ पर रिप्लेस कर दिया मैंने कॉन्टेंट, मतलब इस डीप के अंदर वैल्यू लेके आ चुका है, ओके। तो दैट मीन्स जैसे मैंने डेमो पेज जो बताया था ये वाला नहीं गया, क्योंकि ना मैंने यहाँ पर डेमो पेज का जो वैल्यू रहेगा वहाँ पर नहीं गया, मतलब मैंने बता दिया सेक्शन के अंदर जो वैल्यू वो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर कुछ अर्निंग दिखा रहे, देखते डेप्रिकेटेड और डैप फ्रैगमेंट एक्सेप्शन टेम्पलेट इंजिन बेस कोलन कोलन थाइमलिप लॉग इन के अंदर कुछ आई थिंक लगा कुछ सिंटैक्स वगैरह डेप्रिकेट हो चुका है, ओके। नो इस उसको सॉल्व करेंगे, फाउंड एंड टेम्पलेट लॉग इन, तो उसको कैसे लिखना है बता दिए, सिंपल देख सकते हैं यहाँ पर, तो आपको लिखना है बेस, ओके। इंस्टेड ऑफ बेस के अंदर आपको रख देंगे, ओके। बता रहे कि उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखना है बेस को, ओके। तो उसके बाद उसके बाहर टेल सिंबल भी देना है, यहाँ पर टेल सिंबल बेस कोलन कोलन लेआउट ब्रैकेट टेल सिंबल कोलन कोलन सेक्शन, ओके सिंबल डन। तो क्लियर कर लेते एक बार, ओके। एक बार आ जाएंगे फिर से रिफ्रेश कर लेंगे, रिफ्रेश कर दिया मैंने, ओके। अभी देखो गाइस सिंपल अभी कुछ भी मतलब यहाँ पर नहीं है, राइट। तो लॉगिन पेज टू में कर लेता हूँ, देखिए एक बार रिलोड होकर चेक करेंगे, ओके। लॉगिन पेज टू रिफ्रेश कर लेंगे, जो रिलोड पेज टू आ रहा है वो वार्निंग बार कुछ नहीं है, सही से सब कुछ चल रहा है, ओके। दैट मीन्स ये हमारा अभी डायनेमिक बन चुका है, राइट। तो हर एक पेज का जो मैंने यूज करना चाहे था मेरे को नया बार, अभी एक ही पेज पे मैं यूज करूँगा, बेस को कॉल करूँगा, राइट। ऑटोमेटिकली जो पेज आएगा ऑटोमेटिकली बेस को कॉल कर लेगा, ओके। सेम जो लॉजिक है उसको मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से, आगे रजिस्टर में पेस्ट कर लूँगा, राइट। सेम यहाँ पर पेस्ट करना, आपको सेम आपको इंडेक्स पेज में आ जाना है, इंडेक्स पेज के हेड HTML के अंदर भी रख देना है, सेम, ओके। कंप्लीटेड हो चुका है, बट यहाँ पर सेक्शन टैग देना है, मैंने बताया था सेक्शन टैग का जो वैल्यू जाएगा मेरे यहाँ से, तो सेक्शन कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, कंट्रोल भी
उसके बाद लॉगिन हो गया रजिस्टर, स्टेटमेंट बताना सेक्शन, ओके okay. तो ये हो चुका है मेरा, सही से सब कुछ चल रहा है रजिस्टर पेज तो ओके okay, तो एक बार आके रिफ़्रेश कर लूँगा, एक बार रिफ़्रेश आ जाएंगे रजिस्टर, रजिस्टर नेबर आ रहा, हर पेज के नाम में नेबर आ जाएगा, इंडेक्स पेज, इंडेक्स में क्या इशू आ गया ओके okay, तो समथिंग देखना है क्या कुछ टैग का मिसमैच होगा, इंडेक्स पेज तो सही है, बेस्ट लेआउट तो ओके okay, क्या इशू है एक बार सर्च फेस करेंगे राइट। तो स्लैश इंडेक्स नहीं, स्लैश रखना है आपको ओनली राइट, जैसे स्लैश मैपिंग करो तब इंडेक्स पेज लोड हो रहा है राइट, तो भी हो चुका है। तो फर्स्ट वो क्या करेंगे, तो इंडेक्स वाला जो पेज है फर्स्ट होम पेज मेरे को डिज़ाइन करना है राइट, तो नया पर फर्स्ट में ऐड करना है मेरे को। तो यहाँ पर गाइस जैसे कि सिंपल अभी तो हर एक पेज का मेरे को सी एस एस चाहिए, इमेजेस चाहिए एंड जे एस चाहिए ओके। तो इसके लिए जो भी रहने वाला जो स्टैटिक फाइल, दैट मीन्स क्या है ना मेरा सी एस एस इमेजेस एंड जेस जो रहने वाला मेरा स्टैटिक होगा, तो स्टैटिक के नाम से एक फोल्डर आपको मिल जाएगा जब आप क्रिएट किए होंगे, तो इसे राइट क्लिक करना है। तो मैं तीन फोल्डर बनाने वाला हूँ अभी, फोल्डर सी एस एस, ये फोल्डर आई एम जी इमेजेस एंड जेस राइट। तो वैलिडेशन के लिए हम जेस यूज करेंगे, जेस ओके डन। उसके बाद तो जैसे सी एस एस जो बनेंगे यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे न्यू, देन यहाँ पर सिंपल, तो जैसे एक सी एस एस फाइल बना लेंगे जो भी हमारा सी एस एस फाइल रहेगा, यहाँ पर सी एस एस फाइल स्टाइल डॉट राइट, ऑल द सी एस एस फाइल यहाँ पर मैं डिफाइन करूँगा, इमेजेस फाइल हमारे यहाँ पर रहना चाहिए एंड जे एस के लिए मैं स्क्रिप्ट नेम से एक जे एस फाइल बना लूँगा, जावास्क्रिप्ट सिंपल आ जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे न्यू, सिंपल अगर फाइल वगैरह है एम्प्टी फाइल स्क्रिप्ट डॉट जेस राइट, सॉरी इसको गलत हो गया, उसको सही करना है, करेक्ट करना है, सी सी आर आई स्क्रिप्ट डॉट जेस ओके बन चुका डन। ओके उसके बाद दैट मीन्स मैंने जो बताया था हर एक पेज का, तो मेरे को दैट मीन्स मैं बूस्टर में यूज करूंगा, तो बूस्टर जो यूज करने वाले फॉन्ट ऑसम के लिए जो आइकॉन वगैरह यूज करेंगे, तो आज बेज मतलब मैंने बताया था हर बार मेरा ये वाला पेज लोड होगा राइट, तो मतलब मेरे को बूस्टर चाहिए और फॉन्ट ऑसम चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करें हेडर के अंदर ऐड कर लूँगा राइट ओके। यहाँ पर टाइटल का, टाइटल के बाद क्या है ना मैं डिफाइन कर लूँगा कुछ कुछ दैट मीन्स जो बूस्टर यूज करेंगे, तो गाइस सिंपल हम डिजाइन के लिए बूस्टर यूज करेंगे, तो आ जाएंगे एक बार बूस्टर बूटस्ट्रैप पेजेस बूटस्ट्रैप डॉट मोस्ट ये वाला जो फास्ट वेबसाइट, तो जैसे कि डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगे तो लेटेस्ट वर्जन यूज करेंगे, दैट मीन सिंपल यहाँ पर उसको फास्ट मेरे को ये वाला चाहिए लिंक राइट, सी एस एस की लिंक कॉपी कर लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर टाइटल के नीचे पेस्ट कर लेंगे, उसके बाद जेएस फाइल जो है जेएस फाइल को ऐड करना चाहिए था मेरे को स्क्रिप्ट फाइल, तो मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगा कॉपी स्क्रिप्ट फाइल यहाँ से ऐड कर देंगे ओके डन। तो मतलब हो चुका है, जैसे मैं सेव कर लूँगा एक बार चेक कर लेना, अगर कैसे सक्सेसफुल है कैसे लिंक को कैसे पता चलेगा, अगर मैं जैसे रिफ्रेश कर लूँगा उसका थोड़ा फॉन्ट चेंजेस हो जाएगा, मैं रिफ्रेश कर लूँ तो एक बार अभी देखना उसका फॉन्ट चेंजेस हो चुका है, दैट मीन्स क्या है ना मेरा प्रोजेक्ट का अंदर सक्सेसफुली बूटस्ट्रैप ऐड हो चुका है ओके डन। उसके बाद तो जैसे दैट मीन्स मेरे को यूज करना कुछ आइकन वगैरह यूज करेंगे, तो आइकन के लिए मैं जैसे फॉन्ट ऑसम यूज करूँगा, तो फॉन्ट ऑसम का सीडियन फॉन्ट ऑसम सीडियन आ जाएंगे, तो लेटेस्ट वर्जन हम यूज़ कर लेंगे सीडियन डॉट जे एस डॉट कॉम क्लिक कर लेंगे, तो यहाँ पर लेटेस्ट जो 6.5.0 उसको क्लिक करेंगे कॉपी ओके दैट मीन्स पेस्ट कर लेंगे डन, और कुछ ज़रूरत नहीं हो चुका है मेरा, तो अभी जो भी आइकन वगैरह सब डायरेक्टली मैं यूज कर सकता हूँ ओके। तो उसके बाद जो नया बार जो है यहाँ पर मेरे को नया बार स्टार्ट करना है, तो मैं कमेंट कर लेता हूँ, कमेंटिंग वगैरह सही से करेंगे जैसे कि आपको इजीली समझ में आए राइट, तो स्टार्ट नया बार ओके यहाँ पर आ जाएंगे, हाँ उसे कॉमेंट कर देंगे, कॉमेंट करें कंट्रोल शिफ्ट स्लैश ओके, ये आपको होने वाला है शॉर्टकट ट्रिक, स्टार्ट एंड नेबर,
तो इसके अंदर जो नैबार का हम कोड यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे तो सिंपल आ जाएंगे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से। तो यहाँ पर जैसे कि हम यूज करेंगे नैबार, नैबार सिंपल यहाँ पर नहीं तो कहाँ गया, किधर ना सर्च करना है ना, नाव बार आ चुका है। तो ये वाला नया बार हम इसे कॉपी कर लेंगे डायरेक्टली, तो यहाँ से आ जाएंगे कॉपी। ओके तो आ जाएंगे सिंपल में पेस्ट कर लेंगे। ओके तो सिंपल है आपने क्या करेंगे, मैं डिफाइन करने वाला तो अभी इसे सेव में कर देता एक बार, क्या से देख रहा देखेंगे एक बार, तो रिफ्रेश कर लूँगा। अभी देख सकते हैं सिंपल आ चुका है नैबार होम लिंक ड्रॉप डाउन डिसेबल। तो सिंपल मेरे को क्या क्या चाहिए, होम प्रोडक्ट एंड कटोर चाहिए, ड्रॉप डाउन एन ई कॉमर्स स्टोर है राइट। तो इसको एक बार एडिट कर लेंगे हम, बैकग्राउंड कलर बहुत चेंजेस कर लेंगे। तो इसका बैकग्राउंड जो कलर है बीजी प्राइमरी राइट, बीजी प्राइमरी एंड फिक्स टॉप, जैसे कि मैं उसको जैसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ मेरा जो नैबार टॉप मतलब फिक्स होना चाहिए फिक्स टॉप एंड नैबार डार्क राइट। अगर मैं उसका कलर जैसे प्राइमरी कर दूँ, उसका जो वर्ड वगैरह जो है जैसे कैरेक्टर वगैरह जो जैसे मैंने जो लिखा होगा होम प्रोडक्ट राइट, तो उसका जो रहना चाहिए उसका व्हाइट कलर बन जाएगा। जैसे मैं रिफ्रेश कर लूँगा अभी देखना उसका चेंजेस हो जाएगा। ओके सक्सेसफुली, तो क्या दिखा रहा है बीजी प्राइमरी। ओके ये वाला बीजी बॉडी टेस्ट सीरीज को रिमूव करना है। ओके सक्सेसफुली डन, तो ऐसे दिख रहा है ना। उसके बाद जैसे कि हमें लेफ्ट साइड में होम प्रोडक्ट एंड कैटेगरी, राइट साइड में लॉग इन रजिस्टर एडमिन, तो आ जाएंगे ये ई कॉम स्टोर, ई कॉम दे देंगे जैसे कि ई कॉम स्टोर डन। उसके बाद आपको होम देना है, होम के बाद प्रोडक्ट एंड कैटेगरी इसको कॉपी कर लेंगे, प्रोडक्ट कैटेगरी, कैटेगरी मेरे होने चाहिए ड्रॉप डाउन राइट। तो ड्रॉप डाउन मल्टीपल कैटेगरी दिखाना है मेरे को, तो इस मीन्स जो बाय डिफॉल्ट ड्रॉप डाउन जो मिला उसको यूज करेंगे। तो ओके डन, कैसे दिख रहा है कुछ एक रिफ्रेश कर लेंगे अभी, सही दिख रहा है। होम प्रोडक्ट कैटेगरी डन एंड डिसेबल जो बटन है उसको रिमूव कर लेते एक बार। अन्य फॉर्म टैग मेरे को जरूरत नहीं, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। ओके राइट साइड में क्या है ना, लॉग इन रजिस्टर एडमिन दिखाना है, तो इसके लिए तो जैसे कि जो यू एल टैग है ना उसको कॉपी कर लेते एक बार, कॉपी यू एल टैग। जैसे हम इमेजिन जैसे ई दिखा रहा है मतलब एंड मतलब स्टार्ट में कर दो तो ये राइट साइड में चला जाएगा। तो हमें दिखाना लॉग इन रजिस्टर एडमिन स्टार, हाँ नहीं तो ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए मेरे को, रिमूव कर देना है। तो इसको कॉपी कर देंगे यहाँ पर, उसको लिख देंगे एडमिन। तो जैसे मीन्स मल्टीपल एडमिन ऐड करने के ऑप्शन भी है मैंने रखा हुआ यहाँ पर। ओके डन, एक बार आ जाएंगे रिफ्रेश कर लेंगे, ये भी सही दिख रहा है राइट। लॉग इन रजिस्टर एडमिन एंड प्रोडक्ट होम एंड कैटेगरी, तो मतलब अभी आइकन वगैरह यूज करना है तो जैसे फॉन्ट असम का। ओके तो जैसे आइकन आ देना फॉन्ट असम की वेबसाइट में, फाउंडासम डॉट कॉम वेबसाइट से मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो आइकन पे सर्च करेंगे, सर्च करना शॉपिंग, ओके शॉपिंग ये वाला जो है फ्री वाला आपको यूज़ करना है, फ्री वाला में सिलेक्ट कर सकते हो, प्रीमियम वगैरह यूज नहीं करना है। शॉपिंग कार्ट उसको मैं क्लिक कर देता हूँ, ये कॉपी हो जाएगा आई थिंक, हाँ ये आ चुका है यहाँ पर। इसको आइकन जो आई टैग उसको कॉपी कर लेना है, आके यहाँ पर पेस्ट कर देना है कौन सा ना, जैसे कि ई कॉम स्टोर उससे पहले पीछे राइट। तो उसके बाद होम के लिए होम आइकन चाहिए, होम होम आ चुका है। ओके तो होम आ जाएंगे, होम टैग के पीछे ऐड कर देंगे। उसके बाद प्रोडक्ट, आई थिंक प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट वगैरह नहीं, कैटेगरी नहीं, लॉगिन के लिए एक चाहिए तो ऐड कर लेंगे लॉगिन।
लॉगिन जो है लॉगिन के अंदर पीछे ही ऐड कर लेंगे। ओके डन, तो एक बार रिफ्रेश कर लूँगा, सक्सेसफुल देख सकते हैं हमें सब कुछ ऐड हो चुका है, राइट डन। उसके बाद जो नेक्स्ट हम जो बनाने वाले हैं दैट मीन्स होम पेज हम बना रहे हैं ना, तो होम पेज के अंदर इस तरह एक चाहिए मेरे को, दैट मीन्स एक मैं कैरोजोल यहाँ पर यूज़ करूँगा। ओके तो आ जाएंगे बूटस्ट्रैप की साइड से, यहाँ पर सर्च करेंगे कैरोजोल, कैरोजोल राइट, कैरोजोल के अंदर दैट मीन्स ये वाला जो यूज़ कर लेंगे, एक बार कॉपी कर दिया मैंने यहाँ से, तो आ जाएंगे इंडेक्स पेज, दैट मीन्स तो जो मैंने बताया था होम पेज मतलब मेरा इंडेक्स पेज है, तो इसको रख के सब कुछ रिमूव कर लेते, नहीं यहाँ पर ओके क्लोज ऑल। ओके तो मतलब क्या है ना, बेस पेज जो मेरा जो अभी नया बार जो ये मेरा फिक्स हो चुका है राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट जो मेरे रहने वाले कंटेंट वगैरह सब यहाँ पर मेरे रहने वाले जो रेंडर रेंडर यहाँ पर सब कुछ होगा राइट, तो अभी इंडेक्स पेज होगा, मैंने बताया था ये जो मेरा पेज रहने वाला है कौन सा, ये वाला मेरा स्टैटिक है राइट, मतलब स्टैटिक मतलब क्या है फिक्स है, इसके अंदर जो वैल्यू आएगा मतलब वो डायनेमिक आने वाला है, इंडेक्स पेज आएगा लॉग इन रजिस्ट्रेशन पेज आएगा। ओके तो इंडेक्स डॉट पेज आ चुका है, तो अभी इंडेक्स डॉट पेज के अंदर मैं सेक्शन के अंदर सब कुछ ऐड करूँगा। ओके एक बार मैं आ जाना रिफ्रेश कर लूँगा, अभी देखना जैसे कि आ चुका है यहाँ पर, आई थिंक कुछ हुआ चेंजेस HTML, जैसे कि मैं यहाँ पर आई थिंक कुछ इमेज ऐड करना होगा, राइट क्लिक करते व्यू पेज सोर्स चेक कर लेते एक बार, व्यू पे सोर्सेस नया बार आ चुका है, हाँ आ चुका ही है सही से, मतलब कुछ इमेज वगैरह मेरे को ऐड करना है तो सिंपल। तो यहाँ पर जो मैं इमेज जो ऐड करने वाला हूँ ना ऑलरेडी मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, तो आप डायरेक्ट गूगल से भी ले सकते हो, नहीं तो मैं आपको ये वाला कोड जो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको मैं आपको दे दूँगा गिटहब के अंदर ब्रांचिंग वाइज, तो आपको हेल्पफुल हो जाएगा। ओके तो सिंपल, तो ये जैसे कि मैं इमेज पर आपको सब कुछ मिल जाएगा कोड के अंदर, तो जैसे कि मैं आपको पेस्ट कॉपी पेस्ट करके दे दूंगा। ओके ये तो सब कुछ इमेजेस मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगा एक बार फोल्डर डिस्क्रिप्शन अंदर राइट, तो एक बार चेकआउट कर लें इमेज वगैरह जो चाहिए तो मिल जाएगा आपको, तो दैट मीन्स यहाँ पर मेरे को इमेजेस अगर ऐड करना है तो सिंपल आ जाएंगे, मैं जो इमेज में जो रखा था एक फोल्डर मैंने बनाया था तो उस फोल्डर में आपको शेयर कर दूंगा। ओके तो दैट मीन्स अभी यहाँ पर इमेज आके स्टोर करना है मेरे को, तो आ जाएंगे इमेजेस, आपको दिखाओ तो ये सब कुछ आपको इमेज मिल जाएगा राइट, कैटेगरी इमेज प्रोडक्ट इमेज प्रोफाइल इमेज ये सब कुछ आपको इमेज मिल जाए, तो सब कुछ मैं कॉपी कर लेता एक बार, तो कॉपी करके मैं आ जाऊँगा, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इमेज वगैरह डाउनलोड किए होंगे या सिंपल मेरे जो ड्राइव दे दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड करने के बाद जो इमेज फोल्डर है उसके अंदर पेस्ट कर देना आपको, यहाँ पर जैसे पेस्ट कर दो ऑल द इमेज यहाँ पर आ जाएगा राइट, तो सिंपल डन। ओके उसके बाद जो यहाँ पर इमेज टैग जो है ना यहाँ पर यूज़ करना है, सिंपल आ जाएंगे, तो जैसे मैं इमेज टैग मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ इमेज टैग, तो सिंपल क्या ना इमेज डाटा नहीं मेरा तो लास्ट इमेज फोल्डर के अंदर है, इमेज फोल्डर ecom1 राइट, तो ये PNG राइट, तो इसका मैंने जैसे कि वेट मतलब ना वेट मैंने 100 दिया राइट, हाइट मैंने 350 पिक्सल मैंने दिया, सेम सेकेंड का जो है मैंने यहाँ पर दे देता हूँ उसका, तो सिंपल आपको ये लिख लेना आपको इजीली राइट, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। ओके तो मैंने दे दिया यहाँ पर डाटा ने इमेज फोल्डर के अंदर है, थर्ड जो है मैं डाटा ने राइट सेव मैंने कर दिया, तो आ जाए क्रोम पे रिफ्रेश कर लेंगे। ओके अभी सक्सेसफुल इमेज वगैरह सब कुछ आ चुका है राइट, तो सेम इमेज जो भी यहाँ पर यूज हो रहा है सब कुछ आ रहे हैं यहाँ पर आई थिंक उसका, ओके अभी सही दिख रहा है। उसके बाद नीचे क्या है ना मतलब मेरे को यहाँ पर ये जो कैटेगरी यूज़ करना है राइट, कैटेगरी एक फील्ड मैंने डीप मैंने डिफाइन किया यहाँ पर यूज़ किया, उसके अंदर ये सब कुछ दिखना चाहिए, तो मतलब इंडेक्स पेज में सब कुछ है। ओके तो आ जाएंगे सिंपल, अभी यहाँ पर इसका कोड करेंगे दैट मीन्स अभी आ जाएंगे प्रीवियस पेज, ये वाला हो गया सेक्शन, ये होगा स्लाइडर, मैंने कॉमेंट कर लेता हूँ
होगा स्टार्ट स्लाइडर नए सेक्शन के अंदर होगा ये, राइट। ये एंड स्लाइडर जिससे कि इजीली कोड आपको समझ में आए, राइट। सब कमेंट वगैरह करना जिससे कि इजीली कोड को समझ में आएगा। उसके नेक्स्ट क्या है ना, जैसे कि मैं कैटेगरी मॉड्यूल कैटेगरी कैटेगरी फील्ड या कैटेगरी मॉड्यूल स्टार्ट देन मैं एंड कर लूँगा, डन। तो यहाँ पर मेरे को कैटेगरी मॉड्यूल बनाना है, तो सिंपल फर्स्ट एक बना लेंगे डिव डिव क्लास कंटेनर डिव क्लास, ये सब मैं सबको डायरेक्ट बूस्टर क्लास यूज़ कर रहा हूँ, डिव क्लास रो, ओके। तो उसके बाद उसका अंदर जो मैं यूज करूँगा जैसे कि पी टैग, क्लास टैग सेंटर फेस फॉन्ट साइज में दे दूंगा 4, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा कैटेगरी, ओके। उसका डीप मैं यूज करूँगा यहाँ पर जैसे कि जो देखना चाहिए क्लास कूल एमडी 2, ओके। डीप क्लास कार्ड राउंडेड राउंडेड सर्कल सर्कल देन दैट मीन्स सभी आ जाएंगे। उसके बाद मैं कार्ड डीप कार्ड यूज करेंगे, डीप क्लास कार्ड बॉडी, डन। तो इस कार्ड बॉडी के अंदर मैं इमेजेस राइट यूज करूंगा, तो जैसे इमेज जो आना चाहिए टेक्स्ट सेंटर मतलब सेंटर में जाना चाहिए मेरे इमेजेस, ओके। तो जैसे मैं इमेज यूज करने वाला हूँ, तो इमेज टैग आईएमजी टैग, तो जैसे कि एसआरसी फोल्डर एसआरसी, तो फर्स्ट आईएमजी टैग का अंदर कैटेगरी इमेज, तो इसी पर आप स्टार्टिंग रखते हैं, राइट। तो कैटेगरी स्लैश आईएमजी, उसके बाद ओके क्या है कैटेगरी नहीं कैटेगरी अंडरस्कोर आईएमजी, ओके। तो इमेज के नेम रहने से यहाँ पर तो मैं एक इमेज ले लेता हूँ यहाँ से जैसे कि तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्यूटी अप्लाइंस, राइट, ए पी पी एल आई डॉट पी एन जी, डॉट अप्लाई पी एन जी, ओके। तो उसके बाद जैसे कि हाइट विड्थ मेरे को देना है, विड्थ दे देंगे तो जैसे 65% एंड हाइट दे देंगे दैट मीन्स 140 पिक्सल। तो मैं ऑलरेडी मैंने किया है ना, ऑलरेडी मैं जो बनाया था वहाँ से उसको कॉपी पेस्ट कर दिया क्योंकि ना ये ऑलरेडी फिक्स है, राइट। तो अभी आ जाएंगे एक बार चेक कर लेंगे कैसे दिखता है, तो आ जाएंगे रिफ्रेश कर लेंगे, अभी ऐसा ही दिख रहा है, बट यहाँ पर क्या है ना तो इमेज नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा दैट मीन्स आई एम जी कैटेगोरी स्पेलिंग क्या है ना सी ए टी ई, ओके कैटेगोरी आई एम जी अप्लाई डॉट पी एन जी सी ए टी ई जी ओ, ओके ये अलग गलत हुआ है, अप्लाई 65% ऑन जो हाइट है 140 पिक्सल, राइट। यहाँ पर इसको नीचे दे देंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके इलेक्ट्रॉनिक्स हो चुका है, डन। शैडो देना है, शैडो नहीं शैडो के साथ देना, तो चेक कर लेंगे शैडो बूस्टर भी क्लास को अंदर शैडो शैडो देना है, तो उसके लिखना है शैडो सेकेंड वाला ना सेकेंड इसके यूज कर लेंगे शैडो दैट मीन्स ये वाले मैं यूज कर रहा हूँ स्मॉल शैडो होगा दैट मीन्स आ जाएंगे साउंड सर्कल
रिफ्रेश करने के बाद एड ऐसा ही दिख रहा है अभी। ओके वैसे ही दिख रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स सेम, दैट मींस क्या है ना, ये जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है सेम, इसको जैसे कि ये जो रो है पी कूल एम डी, ये वाला डीप है ना, तो ये डीप जैसे हमारा रिपीटेड कॉपी हो रहा है, तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा एक एक करके, कॉपी हो जाएगा। देन मैं इसको पेस्ट करूँगा 4 5, तो मैं 6 दिखाना चाहता हूँ, कितना टोटल दिखना है मेरे को 6 कट हुए राइट। तो 1 2 3 कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल 12 ग्रेड है। अगर मैं हर ग्रेड का तो 2 2 करके देता हूँ, मतलब टोटल 6 मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। तो ये वाला होने वाला फर्स्ट वाला जो इलेक्ट्रॉनिक्स, देन सेकेंड वाला है ब्यूटी, ब्यूटी ब्यूटी के लिए जो है ब्यूटी डॉट पी एन जी, बी यू यू टी वाई, यू ई यू टी वाई, ब्यूटी डॉट पी एन जी। ओके थर्ड जो है मैं यूज़ करूँगा ग्रोसरी, नहीं फर्स्ट, उसके बाद पैंट राइट, क्लॉथेस, क्लॉथेस के अंदर मैं उसका पैंट डॉट पी एन जी, तो मतलब जो इमेज के नेम है मैं राइट यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ राइट। उसके बाद क्लॉथेस, देन लैपटॉप, कंट्रोल जेड, लैपटॉप डॉट पी एन जी, लैपटॉप। उसके बाद मोबाइल, मोबाइल डॉट पी एन जी, ग्रोसरी, जेपीजी, ओके डन। आ जाएंगे रिफ्रेश कर लेंगे। ओके अभी सही, सब कुछ सही से दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स बीओटी क्लॉथेस लैपटॉप मोबाइल एंड ग्रोसरी दिख रहा है। ओके डन। नेक्स्ट मॉडल जो रहने वाला है लेटेस्ट प्रोडक्ट मेरा होना चाहिए राइट। तो लेटेस्ट प्रोडक्ट में क्या है ना, तो इससे जो भी प्रोडक्ट मैं ऐड करता हूँ एक एक करके दिखेगा यहाँ पर। ओके तो सिंपल मैं इसे दिखा रहा हूँ आपको, जिससे मर्जी आप जैसे फ्लिपकार्ट से बना सकते हैं, अलग अलग मॉडल वगैरह सब कुछ ऐड कर सकते हो, रिसेंट प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, कुछ डिस्काउंट प्रोडक्ट, कुछ फेस्टिवल प्रोडक्ट, इस तरह मॉडल अलग अलग बना के फंक्शन वगैरह सब कुछ ऐड कर सकते हो। ओके सिंपल मैं लेटेस्ट प्रोडक्ट नेम दे रहा हूँ, मैं ऐड करने वाला अभी जैसे कि कटर मॉडल हो चुका है, जैसे कि कमेंट करते हैं स्टार्ट स्टार्ट लेटेस्ट प्रोडक्ट मॉडल। सिंपल सेम, तो मैं आ जाता हूँ जैसे कि मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, सेम यहाँ पर जैसे कि। तो एक मैंने कंट्रोल फ्लूइड मैंने लिया, बीजी लाइट एंड पैडिंग 3 मैंने लिया, यहाँ पर रो है राइट, रो के अंदर जो मेरा रहना चाहिए हमारा रो को, उसके बाद मैंने लेटेस्ट टेक सेंटर FS4 मतलब लेटेस्ट प्रोडक्ट देखना चाहिए राइट। उसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पर एक इमेज लेने वाला हूँ, ओके मतलब कूल MD3 मतलब रिपीटेड होगा कैटेगोरी है, तो ओके कैटेगोरी डी मतलब यहाँ पर मैंने कैटेगोरी रखा है यहाँ पर, तो कार्ड कार्ड बॉडी टेक सेंटर एंड यहाँ पर इमेज जो दिखेगा, ऐसी इमेज फोल्डर के अंदर जो है प्रोडक्ट IMG मैंने एक फोल्डर लिया, नेम यहाँ पर लेने वाला हूँ, तो आ जाएंगे एक नेम दे दूँगा, जिससे कि प्रोडक्ट के अंदर कुछ तो इमेज नहीं है, तो सिंपल मैं यहाँ पर डायरेक्टली कैटेगोरी इमेज फोल्डर के अंदर से कॉपी कर लेता हूँ, लैपटॉप को कॉपी पेस्ट करता हूँ इसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट IMG डॉट लैपटॉप डॉट JPG। लैपटॉप डॉट JPG एंड हाइट ना 65% ये होगा, मैं देता हूँ HP लैपटॉप।
ये स्टार्टिंग के मतलब ये डायनेमिक बनेगा, दैट मीन जिससे हम ऐड करते जाएंगे सब कुछ डायनेमिक दिखा, इसलिए अभी मैं क्या करता हूँ उसको अभी सिंपल इसको मैं अभी इसके ये कर देता हूँ, स्टार्टिंग से बना रहा हूँ। पहले हम UI बनाएंगे, उसके बाद लॉजिक इंप्लीमेंट करें, बैक एंड डायनेमिक बनाएंगे। ओके तो एक बार आ जाएंगे, रिफ्रेश कर लेंगे कैसे दिखता है। अभी सही दिख रहा है, राइट, लेटेस्ट प्रोडक्ट आ चुका है। तो उसका HP लैपटॉप, उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे। तो जैसे शैडो वाले मैंने जो लॉजिक ले आया था राउंडेड सर्कल, तो ये वाला नहीं, ये वाला शैडो, तो क्या करेंगे यहाँ पर कार्ड के अंदर लगा देते हैं, कैसे दिखता है कुछ चेक कर लेंगे। ओके तो आपको एक्सप्लोर करना डिज़ाइन वगैरह पर, आपको जितने अच्छा बनाओगे उसको आपको इतना अच्छा अट्रैक्टिव दिखने वाला आपकी वेबसाइट, राइट। तो अभी आ जाएंगे तो हर एक के अंदर मैं यूज करने वाला भी, ओके आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बट हम जैसे ज़्यादातर यहाँ पर जैसे कि ध्यान देंगे, जैसे कि हम बैक एंड कोड कैसे लॉजिक लिखेंगे इंप्लीमेंट करेंगे, वगैरह मेरा वही हमारा वही फोकस रहने वाला, सीखेंगे कैसे फ्रंट एंड वगैरह क्या आप कैसे इधर के भी सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं इजीली। अभी के टाइम तो ChatGPT वगैरह फॉलो करके बना सकते हो, बहुत अच्छा अच्छा अट्रैक्टिव UI वगैरह बना सकते हो। ओके बन चुका है, देन नेक्स्ट जो बनेगा मेरा जैसे कि हम फुटर बनने चाहिए तो फुटर बना लेंगे, आ जाएंगे। ओके सिंपल आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर बना लेते हैं फुटर, तो ये जैसे कि हो चुका है। उसके बाद बेस में आ जाए तो मतलब हर एक पेज के अंदर तो मेरे फुटर जरूरत होगा, तो मतलब ये से मतलब क्या है कॉन्स्टेंट है। तो मैं क्या करूँगा एक बना लेंगे, कमेंट करता हूँ स्टार्ट फुटर, होगा मेरा एंड फुटर, ओके दैट मीन्स क्लास कंटेनर फ्लूइड पैडिंग वन बीजी प्राइम टेक्स्ट सेंटर एंड टेक्स्ट वाइट मैंने ई कॉमर्स स्टोर डॉट कॉम डॉट कॉम दैट मीन ई कॉम डॉट कॉम। ओके ओके मर्जी है ई कॉम डॉट कॉम आर दैट कॉपी राइट सिंपल सिंपल, इससे लगता ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करेंगे। ओके आ जाएंगे तो अब डेट वगैरह कुछ इंप्लीमेंट करेंगे, तो जैसे लॉजिक जो इंप्लीमेंट करूँगा। ओके रिफ्रेश हो चुका है, ई कॉम डॉट कॉम आ रहा है सही राइट। तो ये सक्सेसफुली मेरा क्या है ना, अभी मेरा बन चुका है मेरा UI पेज राइट, हो इंडेक्स पेज राइट। अभी आ जाएंगे जो बनाने वाला लॉगिन पेज बनाएंगे। ओके दैट मीन्स जैसे कि मैं लॉगिन पे क्लिक करूँ, लॉगिन पर पेज खोलना चाहिए, मतलब यहाँ पर नैप बार जो है यहाँ पर लिंक मैप करना है। तो आ जाएंगे एक बार नैप बार जो है मेरा जो बनाए थे नैप बार करना, आ जाएंगे लिंक, तो यहाँ पर मैं क्या करूँ मतलब लॉगिन, ओके लास्ट लॉगिन बस लास्ट रजिस्टर। ओके रिफ्रेश कर लूँगा एक बार, लॉगिन आ चुका, लॉगिन पेज खुल रहा है, रजिस्टर पेज आ रहा है, बट इसके अंदर मेरे को कंटेंट लेके आना है राइट। तो आ जाएंगे अभी जैसे कि आ जाएंगे यहाँ पर कौन सा ये रहा जो है लॉगिन डॉट HTML, इसके अंदर कोड लिखेंगे सेक्शन के अंदर। ओके तो ऑलमोस्ट ज़्यादा हम कोड को थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ज़्यादा हम जैसे कि आ जाएंगे अभी तो गाइस डोंट वरी, आपको मैं सब कुछ एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा। डोंट वरी डिफ देन क्लास देन आपको यूज करना कंटेनर राइट, द मार्जिन टॉप दे दूंगा मार्जिन टॉप 5 एंड पैडिंग -5। ओके देन डिफ दे देना है क्लास देन कूल एम डी देन आपको 6 देना है पैडिंग -5। ओके तो फर्स्ट वाला क्या है यहाँ पर, जैसे मैंने दो ग्रिड डिफाइन किया, फर्स्ट जो ग्रिड होने वाला है मेरा इमेज में दूंगा, सेकंड ग्रिड में क्या है ना मेरे को जैसे जो फिर मेरा फॉर्म टैग हुआ राइट, फॉर्म में आपको दिखा रहा था एक बार, तो आ जाएंगे यहाँ से कौन सा ये वाला आई थिंक नहीं ये वाला, तो मतलब क्या है मैंने दो ग्रिड में उसको डिफाइन किया, फर्स्ट ग्रिड में मेरा रहेगा इमेज, सेकेंड ग्रिड में मेरा रहेगा ये वाला जो फॉर्म ईमेल एड्रेस पासवर्ड के लिए राइट। तो फर्स्ट ग्रिड में जो इमेजेस है तो इमेज ऐड करना है मेरे को, तो जैसे कि इमेज टैग मैं यहाँ पर डाटा यूज कर लूँगा तो इमेज टैग। ओके तो जैसे कि SRC के अंदर मेरे को जो इमेज टैग के अंदर रहना चाहिए ये SRC, तो img/ecom.png विथ 100% एंड हाइट 4400 pixels राइट डन। सेकेंड जो फील्ड में रहना चाहिए एक बार सेव कर लेता हूँ कैसे दिखता है चेक कर लेंगे एक बार, रिफ्रेश कर लूँगा एक बार, अभी तक इमेजेस नहीं आया। ओके ecom.png सही है। ओके img फोल्डर के अंदर ecom, सर मैंने यहाँ पर रजिस्टर का अंदर था, अभी लॉगिन करना जाना है राइट, अभी लॉगिन सही आ चुका है इमेज मेरा राइट। उसके बाद राइट साइड में क्या है ना मेरा फॉर्म यूज़ करना है राइट। ओके
तो नेक्स्ट जो मैं ग्रीड रहने वाला है, तो यहाँ पर मैंने फॉर्म मेरे को बनाना है, राइट। तो सिंपल अभी आ जाएंगे, फॉर्म बनाएंगे। तो फॉर्म बनाने पहले फर्स्ट में क्या, मैं एक कार्ड डिफाइन करूँगा, राइट। तो जैसे कि सही दिखने चाहिए, राइट। क्लास कार्ड, देन डिव क्लास कार्ड हेडर। ओके, कार्ड हेडर के अंदर जो हम डिफाइन करने वाले लॉग इन, तो पी टैग के अंदर हम यूज करेंगे लॉग इन, लॉग इन, राइट। तो इसको दे देंगे, इसका फॉन्ट वेट दे देंगे क्लास फॉन्ट वेट 4 एंड टेक्स्ट सेंटर। ओके डन। उसके बाद जैसे कार्ड बॉडी डिव क्लास कार्ड बॉडी, फॉर्म टैग यूज करेंगे। ओके, तो कार्ड बॉडी फॉर्म टैग यूज करेंगे, दैट मीन्स हमें जैसे कि डिव क्लास मार्जिन बॉटम 3 लेवल क्लास फॉर्म लेवल, फर्स्ट दे देंगे ईमेल। ओके, सेकंड जो रहने वाला इनपुट फील्ड, तो ये आपको क्या है ना, बूटस्ट्रैप की साइड से भी मेल जाकर डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो, क्योंकि ना ज़्यादातर मैं जितना मेरा याद हो गया डायरेक्टली भी इसे टाइप कर दे रहा हूँ। क्लास फॉर्म कंट्रोल, कहाँ से मिलना है आपको मैं भी दिखा दूंगा, टोटल नेम देन ईमेल, राइट। उसके बाद क्लास टाइप, टाइप दे देना इनपुट टाइप टेक्स्ट या ईमेल, डन। ईमेल सेव, मैं जैसे कि इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, दूंगा ला नेक्स्ट। क्या है ना, जैसे कि पासवर्ड है, नेम होगा पासवर्ड, इनपुट टाइप पासवर्ड, डन कंप्लीटेड। अभी हो चुका ये वाला मेरा, तब इसके बाद मैं बटन में भी डिफाइन करूँगा, राइट। तो अभी आ जाएंगे बटन टाइप सबमिट, राइट। क्लास क्लास BTN BG प्राइमरी, राइट। टेक्स्ट वाइट फुल एम डी टोटल, मैंने दैट मीन्स जितना जो रहने वाला डिव टोटल फुल मैंने दिखना चाहिए, एंड लॉग इन। ओके, आ जाएंगे, रिफ्रेश कर लेंगे, क्यों नहीं दिख रहा है। ओके आई थिंक ओके, ये नीचे आ चुका है क्योंकि ना, तो ओके तो हमारे ग्रिड का कुछ इशू है, राइट। तो आ जाएंगे ग्रिड, क्या क्या इशू है, तो मार्जिन टॉप राइट ये मैंने 6 यूज़ किया, 6 यूज़ किया आई थिंक समथिंग, इसको मैं 4 कर लेता हूँ, अभी सही आ जाएगा अभी। ओके, तो दैट मीन्स क्या है ना, मतलब क्या पैडिंग पर जो मैंने यूज़ किया आई थिंक समथिंग कुछ मिसिंग हो रहा है, राइट। तो चेक कर लेंगे। ओके नो प्रॉब्लम। ओके कूल एम डी 6 यानी कूल एम डी 4 कंटेनर, इसको यूज करना है, कंटेनर मैंने यूज किया था ना, मार्जिन टॉप 5 पैडिंग 5। ओके, इसको मैं रो डिफाइन करता था, राइट। तो मैंने ग्रिड जो डिफाइन किया, ओके इसको 6 भी कर लेते कोई इशू नहीं है, बट ये जो दो ग्रिड है, तो ग्रिड को मैं कहाँ पर रखूँ, रो के अंदर रखूँ, तो इसको मैं रखना चाहिए था रो के अंदर, तो मैंने रो के अंदर रखने के लिए भूल गया था। क्लास क्लास रो, ओके इस डिव को क्लोज कर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लोज हुआ है, राइट। अभी सही दिख रहा है, तो रो के अंदर दो ग्रिड है, राइट। ये फर्स्ट ग्रिड में आपका इमेज रहने वाला, सेकेंड ग्रिड में आपको फॉर्म रहेगा। एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, अब एक ग्रिड में आ चुका है, डन। तब इसको दे देंगे मार्जिन टॉप, ये इसको दे देंगे मार्जिन टॉप, ये दिख रहा है, तो ये सी उसका क्या करेंगे, उसको थोड़ा ऊपर ऊपर से दे देंगे मार्जिन टॉप, ठीक देते हैं, ये सही दिख रहा है, अच्छा से दिखेगा। नहीं क्या इस हो गया, ओके कुछ मिस मैच हुआ रहा, राइट। ओके डी में अंदर मार्जिन टॉप 3, ओके ओके डन। अभी सही दिख रहा है, आई थिंक 5 देना है मेरे को, तो जैसे कि थोड़ा और भी नीचे आ जाएगा, रिफ्रेश अभी आ चुका सही, इसका सेम पर इमेज के साथ आ रहा है, राइट। नेक्स्ट क्या है ना, एक डीप बनाएंगे, तो जैसे कि कार फुटर बना लेंगे, एक बना लेंगे कार फुटर, जैसे इस तरह देखना चाहिए, राइट। तो ये वाला देखना चाहिए, तो आ जाएंगे इमेजेस या डीप क्लास, ये कार्ड था, ये कार्ड हेडर, राइट। ये जो कार्ड हेडर था, कार्ड बॉडी जैसे कि एंड, वहाँ पर कार्ड फुटर बना लेंगे, डिव डिव क्लास कार्ड फुटर,
राइट, उसके बाद मैं आपका टैग यूज करूँगा आई फॉर रेफरेंस, अभी स्टार दे देते, राइट हाथ से दे देते मैं फॉरगेट पासवर्ड, पासवर्ड पासवर्ड भूल गया तो उसके ऊपर लगाना है, राइट। तो अगर मान लो इसका ओके डन, उसके बाद नेक्स्ट लाइन के लिए मैं दे दूंगा उसको देना है, जैसे कि आंकर टेक्स्ट को सेम कॉपी कर लेते हैं ओके, उसको दे देंगे क्रिएट वन, अगर अकाउंट क्रिएट करना है। क्रिएट वन लिखने से पहले तो ओके क्रिएट वन बी आर के बाद यहाँ पर लिखना है, जैसे कि से मैं इसको डोंट डोंट हैव एन अकाउंट, देन आपको क्वेश्चन मार्क देना, देन आपको क्रिएट वन करना है, राइट। अभी आ जाएंगे रिफ्रेश कर लेंगे ओके, अभी सही दिख रहा है, बट इसको सेंटर में लेके जाना है, आज इसे अंडरलाइन जो है इसको भी रिमूव करना है, जैसे कि लेके आ जाएंगे टेस्ट सेंटर ओके, इसके बाद इसको टेस्ट डेकोरेशन ऑन कर देंगे, क्लास टेस्ट डेकोरेशन नॉन ओके डन, रिफ्रेश कर लेंगे, अभी सही दिख रहा है, राइट। तो सेम सेम हो चुका है, जितने से यहाँ पर जैसे जब बना हुआ है सेम, तो ऐसा सेम दिख रहा है अभी। तो फॉरगेट पासवर्ड क्रिएट वन डोंट हैव एन अकाउंट, अभी इसके अंदर चारों तरफ थोड़ा पैडिंग दे देंगे, तो शैडो वगैरह दे देंगे, शैडो देने के लिए जैसे मैंने डिफाइन किया था इंडेक्स और एचटीएमएल में यूआर लॉजिक, तो देखते आ जाएंगे थोड़ा और थोड़ा मोटा ऐसे देखने के लिए, तो रेगुलर शैडो दे कर देते, शैडो इरेगुलर इसको यूज कर लेते, लॉग इन क्या हो गया, तो मैं जो कार्ड है कंटेनर, तो कार्ड है इसके अंदर मैं दे दूंगा, इसे दिखेगा अभी राइट, अभी से दिख रहा है, बट इसको टॉप से सही दिख रहा है, कोई इश्यू नहीं ओके। तो लॉगिन पेज बन चुका है, तो इसको टॉप से थोड़ा ऊपर से थ्री कर लेते, हाँ अभी से दिख रहा है, ईमेल आ चुका है, पासवर्ड आ चुका है, लॉगिन पॉकेट पासवर्ड क्रिएट वन, राइट डन। अब रजिस्टर पेज से मैं क्लिक करूँ, रजिस्टर पेज बनने चाहिए किस तरह ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर जैसे रजिस्टर पेज बनाया था सेम इस तरह बनने चाहिए ओके। तो सेम तरीका क्या है ना, जैसे कि मेरे यहाँ पर जो है उसको कॉपी कर लेता हूँ ऊपर फर्स्ट, राइट डिप तक यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, तो जो फील्ड वगैरह ऐड कर लेंगे तो आ जाएंगे एक बार रजिस्टर डॉट एच टी एम एल, लिख देंगे रजिस्टर रजिस्टर आ चुका है, रजिस्टर पेज का नाम आ चुका है रजिस्टर, बट यहाँ पर थोड़ा चेंजेस करना है, तो क्या करना है फुल नेम मोबाइल नंबर मेरे को लगाना है, राइट। तो आ जाएंगे ये वाला है जो है, तो एक बार तो मैं दूसरे पेज में टैब में खोल के रखता हूँ, जैसे मेरे को देखने में इजी हो जाएगा, इजीली मैं इसको रेक्टिफाई कर पाऊँ, राइट। तो डीप तो यहाँ पर जो रजिस्टर के अंदर इसको मैं रख देता हूँ, एक डीप का कॉल के अंदर रख देता हूँ, राइट क्लास कॉल के अंदर रखता हूँ, सर ये रो होगा कंट्रोल जेड रो एंड एक के अंदर ये कॉल होगा कॉलम, राइट। तो ये जो डीप है मैं इसको रख लेता हूँ, ये जो क्लोज करना है इसको यहाँ से फॉर्म टैग कुछ आई थिंक मिसमैच हुआ है, राइट। तो ये क्लोज हो गया, ये कहाँ से आ गया, ये वाला नहीं सही है। तो फर्स्ट जो रो है मेरा जैसे कि यहाँ पर डिफाइन करना है, तो ये होगा मेरा फर्स्ट होगा, फर्स्ट में क्या है ना तो डिफाइन करता है मेरा होगा फर्स्ट और फुल नेम, मैं नेम कर देता हूँ नेम, एंड नेम टाइप में होगा टेक्स्ट, टेक्स्ट हमारा नेम हो चुका है। सेकंड में क्या है ना मोबाइल नंबर, तो प्रॉपर हमें वैलिडेशन वगैरह सब यूज करेंगे, राइट डोंट वरी। मोबाइल नंबर तो जैसे जावा स्क्रिप्ट का मोबाइल नंबर, जैसे जावा स्क्रिप्ट वैलिडेशन वगैरह यूज करेंगे, नंबर सॉरी मोबाइल नंबर मोबाइल नंबर
इनपुट टाइप होगा नंबर, राइट। मोबाइल नंबर के बाद देन ईमेल। तो ईमेल क्या है ना, सिंपल हम यहाँ पर एक एक ही रो पे रख लेंगे, जाएंगे जैसे मैंने जो प्रीवियस बनाया था उसके हिसाब से, मार्जिन बॉटम 3, राइट। तभी सही दिखेगा, अभी ये बन जाएगा ईमेल। उसके बाद ईमेल के बाद एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड। एड्रेस सबको 2-2 टाइम्स है, तो मैं इसको कर लेता कॉपी, ये कॉपी। ओके, तो फर्स्ट जो बनेगा ये हम बन गया हमारा फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल बन चुका है, देन एड्रेस, एड्रेस टाइप होगा टेक्स्ट, देन सिटी, पासवर्ड नेम होगा सिटी होगा टेक्स्ट, एड्रेस सिटी होगा, इधर स्टेट, नेक्स्ट जो है स्टेट है, स्टेट नेम होगा जाएगा स्टेट, टाइप होगा टेक्स्ट, सेट के बाद देन पिन कोड, टेक्स्ट या नंबर, ये होगा नंबर, पिन कोड के बाद। उसके बाद नेक्स्ट जो है पासवर्ड है, कॉन्फर्म पासवर्ड, कॉन्फर्म पासवर्ड डन, पासवर्ड है, नेम होगा ये पासवर्ड होगा, ये सी पासवर्ड, राइट, डन। उसे नेक्स्ट जो रहना चाहिए मेरे को, जैसे प्रोफाइल एक इमेज से, प्रोफाइल इमेज, तो ये वाला बन जाएगा, इसको रिमूव कर लेता हूँ, मार्जिन बॉटम 3, तो मार्जिन बॉटम 3 दो, प्रोफाइल इमेज नेम होगा इमेज, प्रोफाइल इमेज टाइप होगा फाइल, लॉग इन पर लिखना है रजिस्टर, तो रजिस्टर ये वाला फग पासवर्ड नहीं रखना है, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पर लिखता है लॉग इन, कर लेते हैं हैव एन अकाउंट, इसे कर देते लॉग इन, इसकी मैपिंग जो होगा स्लैश लॉग इन, स्लैश लॉग इन, ओके। तो आ जाएंगे, रिफ्रेश कर लेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे, कैसे दिखता है, रिफ्रेश कर लूँगा एक बार, राइट। अभी रजिस्टर आ चुका है, तो बट क्या है ना, इसको एक ही रो पे नहीं आया, तो चेक कर लेंगे, तो बूटस्ट्रैप की साइड में क्या, ओके, तो मेरे को कॉल यूज करना था, राइट। तो एक रो के अंदर है, मतलब एक कॉलम होगा, तो कॉलम मेरे को यूज करना था, मैंने कॉलम वगैरह यूज नहीं किया इसलिए नहीं आया ये कॉलम, कॉलम कॉलम बन गया, राइट। अभी सही दिख रहा है, राइट, डन। सो मार्जिन टॉप जो है इसको थोड़ा 0 कर देंगे, मार्जिन टॉप डायरेक्ट रिमूव कर लेंगे यहाँ से, 1 रखते कैसे दिखता है, इमेज का साइज थोड़ा कम बड़ा कर देंगे, थोड़ा छोटा कम कर देंगे, दोनों सही दिखेगा अभी, थोड़ा ये कर देंगे 4 एंड ये कर देंगे 8, राइट। अभी सही दिख नहीं, थोड़ा ये कर देंगे 9, ये देंगे 3, नहीं नहीं सॉरी, इसको करना था 7 और इसको कर देते 5, राइट। अभी सही दिख रहा है,
राइट, तो इसको पैडिंग 5 नहीं करेंगे, पैडिंग 1 कर देंगे। नहीं, इसको पैडिंग 5 रखते हैं, बट इसको पैडिंग 1 कर लेते हैं, 2 कर देते हैं। राइट, ये भी सही दिख रहा है। राइट, तो नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल, और उसके बाद प्रोफाइल इमेज, रजिस्टर एंड हैव एन अकाउंट, देन लॉग इन। लॉग इन जैसे क्लिक कर, लॉग इन पे जा चुका है। ओके, सक्सेसफुली मेरा भी क्रिएटेड हो चुका है। तो दैट इज गाइस सक्सेसफुली होम पेज, जैसे मैं क्लिक करूँ होम पेज आना चाहिए, तो आ जाएंगे। जैसे बेस्ट मैंने एस्टिमेट जो बनाया था होम पे, यहाँ पर होम को लिंक करेंगे तो दैट मीन्स यहाँ पर रेफरेंस लिख देंगे, स्लैश सिंपल स्लैश, जैसे मैपिंग कर दूंगा अभी हो जाएगा। होम पेज से मैं क्लिक, होम पेज आ चुका है, सक्सेसफुली डन। उसके बाद जैसे मैं लॉगिन पर क्लिक करूँ, लॉगिन पेज आ चुका है, रजिस्टर जैसे मैं क्लिक कर, रजिस्टर पेज भी आ रहा है। ओके, तो सक्सेसफुली मैंने यहाँ पर तीनों पेज में बना चुका हूँ। राइट, तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में क्या है, इसके अंदर लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे, दैट मीन बैक एंड हम इंप्लीमेंट करेंगे, डाटाबेस के साथ कनेक्शन करने के बाद रजिस्टर वगैरह करेंगे। राइट, ओके, तो गाइज आई होप आज के वीडियो में जो मैंने एक्सप्लेन किया कुछ हेल्पफुल हुआ, तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइज जैसे कि फुल्ली प्रोग्राम बनाने वाले, ये कि जो प्रोडक्ट्स के सोर्स आपको गिटअप के अंदर मिल जाएगा, तो ब्रांच वाइज मैंने अलग अलग करके मैं अपलोड करके देने वाला हूँ। ओके, तो गाइज डोंट वरी। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।